यूनिट 4 प्रधानाचार्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? कक्षा शिक्षण के प्रति अनुत्तरदायी होता है, ये गलत है। प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व है प्रबंधन समिति के अच्छे संबंध कायम करना। विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है विद्यालय का नेता, समाज का नेता, दोनों। प्रधानाध्यापक का कार्य है नियोजन, शिक्षण कार्य, अनुशासन की स्थापना। प्रधानाचार्य के परिनिरीक्षण कार्य में सम्मिलित है शिक्षण कार्य का निरीक्षण, कार्यालय कार्य का निरीक्षण, मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। प्रधानाध्यापक के गुण हैं नेतृत्व की क्षमता, व्यवहार कुशल, अब दोनों। प्रधानाध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए? व्यक्तिगत गुण, व्यवसायिक गुण, दोनों होने चाहिए, अब दोनों, इनमें से कोई नहीं, अब दोनों होने चाहिए। अध्यापक राष्ट्र का भाग्य निर्माण निर्णायक होता है, अध्यापक राष्ट्र का भाग्य निर्णायक होता है, यह कथन किसका है? हुमायूं कबीर का। प्रशिक्षण शिक्षक के लिए सामान्य निरीक्षण काल एक वर्ष का होना चाहिए, यह किसका सुझाव था? माध्यमिक शिक्षा आयोग का। शिक्षक की जवाबदेही पर किसने बल दिया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ऋणात्मक स्थिति में कुर्सी की स्थिति होती है, इनमें से कोई नहीं। डेस्क के नीचे कुर्सी होती है, डेस्क के किनारे कुर्सी का किनारा मिला हुआ रहता है, डेस्क के किनारे तथा कुर्सी किनारों के बीच खाली स्थान होता है, इनमें से कोई नहीं। कुर्सी की सीट की गहराई होनी चाहिए 3/8 इंच। कक्षा में सीटों की व्यवस्था की जा सकती है क्षैतिज रूप में, शीर्षात्मक रूप में, अर्धगोलाकार ढंग से, उपयुक्त सभी प्रकार से। म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द म्यूजेज से मानी जाती है, इसका अर्थ है कला, संगीत व विज्ञान आदि का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनान की देवियां। संग्रहालय का अर्थ है महत्वपूर्ण वस्तुओं का, इन सभी का संयुक्त रूप है संग्रह कक्ष, सूचना कक्ष, प्रदर्शन कक्ष। तकनीकी एवं व्यवसायिक कौशलों के विकास के लिए सबसे उपयुक्त स्थल है वर्कशॉप या कार्यशाला। प्रयोगशाला द्वारा विषय विशेष के लिए पर्यावरण तैयार किया जाता है उपयुक्त सभी में सहायक। उपयुक्त एवं अनुकूल व्यवहारिक कार्य हेतु प्रभावी व अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति के विकास हेतु। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है लैटिन शब्द लाइब्रेरी लाइब्रेलिस से। पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, किसका कथन है? जॉन डूबी का। पुस्तकालय के आधिकारिक आ जा भाई पुस्तकालय के अधिकाधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु कौन से कदम उठाए जाएं? उपयुक्त सभी। पुस्तकालय दिवस मनाया जाए, पुस्तकों की विषय अनुसार प्रदर्शनी लगाई जाए, सूचना पट पर पुस्तकों के मुख्य पत्र, पूर्व निरीक्षण, अध्ययन सामग्री की सूची प्रस्तुत की जाए। पुस्तकालय अध्यक्ष में गुण होने चाहिए मिलनसार, चातुर्य, उत्साह। खेल के मैदान में तथा छात्रावास में बालक एक दूसरे से जो पाठ सीखते हैं वे विद्यालय में सीखे गए पाठों से 9 गुना अधिक उपयोगी होता है, यह कथन किसका कथन है? जीन जैक्विस रूसो का। छात्र अध्यक्ष में गुण होना चाहिए कुशल संगठनकर्ता, अन्याय प्रियता, नेतृत्व करने की क्षमता, उपयुक्त सभी। छात्र अध्यक्ष में गुण होना चाहिए अन्याय प्रियता का, कुशल संगठनकर्ता का, नेतृत्व करने की क्षमता का। छात्रालय में निम्न में से कौन से रजिस्टर होने चाहिए? संपत्ति रजिस्टर, कैश बुक, प्रवेश रजिस्टर, सर्विस बुक है, कर्मचारी अधिकारी का सेवा अभिलेख। विद्यालय इतिहास से संबंधित सूचनाओं का लेख रखा जाता है विद्यालय कैलेंडर में। जनरल लेजर किस प्रकार के अभिलेख है? वित्तीय पत्र प्राप्ति रजिस्टर है। प्रशासनिक अभिलेख बालक की शारीरिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों का लेखा जोखा रखा जाता है सचिव अभिलेख में। कार्यालय को विद्यालय का नाड़ी संस्थान किसने
कहा है रायवर्न ने। प्रधानाध्यापक को विद्यालय के आंतरिक कार्यक्रमों के संगठन में निम्न में से किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? उपयुक्त सभी: पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाओं का संगठन, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संगठन, विद्यालय की साज सज्जा की उपयुक्त व्यवस्था, समय तालिका के निर्माण में सभी का ध्यान रखना चाहिए, विद्यालय के हित का ध्यान रखना चाहिए, विद्यालय में उपलब्ध सामग्री का ध्यान रखना चाहिए, शिक्षा विभाग के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? 80 बार में जाता लगा उतर रहा तो डिसियर। समय पर पैसा तो लगाइए कर। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द के डिसिप्लिना शब्द से हुई है। इसका चलो अर्थ ठीक होता बा है राम रही तो बंद अनुशासन, करवाइए और तो नियम, नया राम रही कौन सी चीज व्यवस्था। उपयुक्त का सभी। पागा नाई पहुँच है अनुशासन स्थापन के सकारात्मक साधनों में आते हैं। उपयुक्त पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था है। नैतिक शिक्षा की व्यवस्था है। पुरस्कार। उपयुक्त सभी। अनुशासन स्थापन के नकारात्मक साधनों में आते हैं। शिक्षक अभिभावक सहयोग। डंडा छूटा लड़का बिगड़ा के आधार पर अनुशासन को किस अवधारणा को जन्म मिला है? दमनात्मक अनुशासन। अनुशासन की आधुनिक अवधारणा के समर्थक हैं जानडूबी, पेस्टोलॉजी, रूसो। प्रकृतिवाद विचारात्मक अनुशासन की किस दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं? मुक्ति आत्मक। आदर्शवादी विचारक अनुशासन की किस अवधारणा के समर्थक हैं? प्रभावात्मक। प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है। ईंट का जवाब पत्थर के सिद्धांत पर। अनुशासनहीनता का सामाजिक कारक है आर्थिक विषमता। सामूहिक अनुशासनहीनता का उदाहरण है सामूहिक रूप से प्रदर्शन व हड़ताल करना। प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है। कथन किसका है? SN मुखर्जी। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान। TLM के अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक को राशि प्रदान की जाती है 500। पाठ्य पुस्तक अध्ययन क्षेत्र की किस शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है? लेंस लेंज लेंज। समय सारणी विद्यालय का स्पार्क प्लग है जो उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है। यह कथन किसका है? जसवंत सिंह। कक्षा एक में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं 2। कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए आवश्यक है योजना बनाना। लो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से।